बलोचिस्तान में कैंसर की अदवियात नापेद हो गई। इस सिलसिले में बलोचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा से हमारे गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान अवामी एंडोमेंट फंड्स गुज़श्ता 4 महीने से बीएमसी और सेनार अस्पताल क्वेटा में बंद हैं। अस्पताल जराय के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने एंडोमेंट फंड की मद में मेडिकल स्टोर्स की अदायगियां नहीं की हैं और इत्तेफाक मेडिकल और हामिद इंटरप्राइजेस ने अपने वाजबात की अदम अदायगी के बाइस सप्लाई रोक दी है और हुकूमत मेडिकल स्टोर्स के 9 करोड़ रुपये का मकरूज हो गया है, जिससे कैंसर समेत दीगर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जराय का मजीद कहना है कि बार बार फरियाद करने के बावजूद सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों खुसूसन ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी हुई है, जबकि सूबे में कमजोर और गरीब मरीज जिनमें कैंसर और दीगर बीमारियों के मरीज शामिल हैं अपने खर्चे पर इलाज नहीं करा सकते, जिससे मरीज इलाज ना होने की सूरत में फौत हो जाते हैं। बलोचिस्तान अवामी फंड्स की बंदिश पर वजीर आला बलोचिस्तान ने फंड्स रिलीज करने के ऑर्डर जारी कर दिए, मगर महकमा खजाना और सोशल वेलफेयर बलोचिस्तान के अदम दिलचस्पी के बायस जिंदगी महफूज बनाने वाली अद्वियात बलोचिस्तान के बीएमसी और सेनार अस्पताल क्वेटा में दस्तयाब ही नहीं है। जराय ने इल्जाम आयद किया कि अदम तवज्जोही की वजह से अस्पताल से जिनाजे उठ रहे हैं। इस सिलसिले में कैंसर के मरज में मुबतला मरीजों ने गिदरोशिया पॉइंट से बातचीत करते हुए कहा, मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील कर रहा हूँ कि 4 महीने हो गया कि ये मरीज मेरा गर्दन पे ठार है, एंडोमेंट में पैसा नहीं है, इधर मैं अस्पताल में जायद साहब के पास ये मरीज खड़ा है, जायद साहब बोल रहे कि स्टोर में दवा नहीं है, मैं एंडोमेंट वाले के लिए दरख्वास्तें ऊपर में जमा किए गए थे, वो बोल रहे कि आपका दवाई मंजूर हुआ मगर सिर्फ मेरा पास पैसा नहीं है। मैं बिलाल अहमद हूँ, मेरा फादर तबीयत ठीक नहीं है, वो कैंसर के पेशेंट है। हम रोज़ यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आते हैं, बीएमसी हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट जा रही है। 3 महीने से जो है उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आते हैं कहते हैं कि पेशेंट की कोई इंजेक्शन नहीं आए हुए है, सारे बंद हैं, मेडिकल वाले नहीं देते, फंड बंद है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं आ रही है और यहाँ पे हमारे मरीज मर रहे हैं। रोज़ बरोज़ हम आते हैं, डॉक्टर साहब को परेशान करते हैं, वो हम वहाँ पे परेशान है क्योंकि कोई ट्रीटमेंट जारी नहीं है। सर 3 महीने से मैं जो ना कोशिश कर रहा हूँ, ये मरीज मेरे जो ना कैंसर है, ये मेडिसिन नहीं मिल रहा है। वजीराना और दूसरे साहब से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी फौरन हम लोगों को मेडिसिन दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं कैंसर का मरीज हूँ। वज़ीर आला आपसे अपील है, ये हमारा दवाई जो है अभी बंद है, ये इत्तेफाक वालों ने बंद किया है, तो 4 महीने से हम आ रहे जा रहे, कोई हल नहीं है इसका। अभी हम जवान बंदा है, या दवाई दे दो या हमको मार दो। माता दा फंड नहीं मिला भी जब कोई की चौक न लड़ूँ ये वाजिद जमुर आजम अजखा रही माँ वज़ीर आला था दरख्वास्त कहूँ मचू माता दा फंड मिला उसे मदद तक माँ कैंसर मरीज बीमारी है मेरा, हम कब तक 7 महीना है कस्ते पैसा बंद किया है, मार पैसा है माँ उधर इलाज आखा नहीं हूँ, गरीब बच पर भी आ रहा अच्छी हस्ते अगर अमीर रंग रहे। मरीजों के अहले खाना ने गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और सूबाई वजीर सेहत से फौरी नोटिस लेकर इंसानी जानों के ज़िया होने से बचाने की अपील की है। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।